एक घमंडी लाल गुलाब। एक सुंदर बसंत का दिन, जंगल में एक लाल गुलाब खिला था। गुलाब ने चारों ओर देखा। बगल में खड़ा एक देवदार के पेड़ ने कहा, कितना सुंदर फूल है, काश मैं भी इतना प्यारा होता। दूसरे पेड़ ने कहा, प्रिय देवदार, दुखी मत हो, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता। गुलाब ने मुड़कर टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि मैं इस जंगल में सबसे सुंदर फूल हूँ। एक सूरजमुखी ने अपने पीले सिर को उठाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? इस जंगल में कई खूबसूरत फूल हैं। तुम सिर्फ उनमें से एक हो। लाल गुलाब ने जवाब दिया, हर कोई मुझे देख रहा है और निहार रहा है। तब गुलाब ने एक नागफनी को देखकर कहा, उस बदसूरत कांटों वाला पौधा देखो। देवदार के पेड़ ने कहा, लाल गुलाब, यह कैसी बातें कर रही हो? कौन कह सकता है खूबसूरती क्या है? तुम्हें भी कांटे हैं? घमंडी लाल गुलाब गुस्से से देवदार के पेड़ को देखकर कहा, मुझे लगा आपकी पसंद अच्छी है। आप नहीं जानते कि सुंदरता क्या होती है। आप नागफनी के कांटों का मेरे कांटों से तुलना नहीं कर सकते। क्या घमंडी फूल है, पेड़ों ने सोचा। गुलाब अपने जड़ों को नागफनी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला। दिन बीत गए, लाल गुलाब नागफनी को देखता और उसे अपमानित करता, जैसे ये पौधा बेकार है, मुझे इतना दुख हो रहा है कि ये मेरा पड़ोसी है। नागफनी कभी भी गुलाब के बोलने को लेकर परेशान नहीं होता। यहाँ तक वह गुलाब को सलाह देता था कि भगवान एक उद्देश्य के बिना कोई भी जीवन का निर्माण नहीं करता। वसंत चला गया और मौसम बहुत गर्म हो गया। जंगल में जीवन मुश्किल हो गया क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। लाल गुलाब सूखने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि गौरैयों ने अपना चोंच नागफनी में चिपका दिया और फिर थोड़ी देर के बाद ताजा होके उड़ गए। यह हैरान कर देने वाली बात थी और लाल गुलाब ने पेड़ से पूछा, पक्षियां क्या कर रही थी? पेड़ ने समझाया, पक्षियों को नागफनी से पानी मिल रहा था। उसको चोट नहीं लगती जब पक्षियां छेद करती है? हाँ, लेकिन नागफनी पक्षियों को कष्ट में नहीं देख सकता था, पेड़ ने उत्तर दिया। गुलाब ने आश्चर्य में अपनी आंखें खोलकर पूछा, क्या नागफनी में पानी है? हाँ, तुम भी इसे पी सकती हो। नागफनी से मदद मांगने पर गौरैया तुम्हारे लिए भी पानी लाएगी। लाल गुलाब को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ नागफनी से पानी मांगने के लिए, लेकिन अंत में उसको मदद के लिए पूछना ही पड़ा। नागफनी ने विनम्रता पूर्वक सहमति दी। पक्षियों ने पानी से अपना चोंच भरा और गुलाब की जड़ों को पानी दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें सिर्फ किसी का रूप देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए।